समकालीन भारत एक कक्षा नौ भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई का जो आपका पेपर होगा उसके बिहाफ पे। इन क्वेश्चनों से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए इससे क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। तो चैप्टर समझना है वो पिछली वीडियो देख ले, ठीक। और जो बच्चे चैप्टर हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है सब उनका ये बच्चे समझ चुके हैं, इनके लिए कोई भी भारत अगर आ जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन पे फोकस करें। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संचार में परिवर्तन लाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहली चीज का इसका आंसर है प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों में। इसका मतलब किसी जगह की जनसंख्या को प्रभावित क्या करते हैं ज्यादातर चीजें, कि कितने लोग वहां पर आ रहे हैं और कितने लोग वहां से जा रहे हैं, ठीक। अगला, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित से किसका परिणाम है। जनसंख्या में अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो बेटा किसका इसका कारण क्या है। पहला उच्च जन्म स्तर, मतलब जन्म दर ज्यादा है। दूसरा उच्च मृत्यु दर, लोग मर ज्यादा रहे हैं इसलिए। या उच्च जीवन दर, लोग जी ज्यादा रहे हैं इसलिए। या बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं। तो बेटा इसका आंसर है उच्च जन्म दर, इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं किए जा रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण क्या क्या हो रहा है। पहला, एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्रति हजार पुरुषों में महिला की संख्या घटिया बढ़ रही है। बेटा टोटल क्या है, ओवरऑल जनसंख्या बढ़ रही है, ओवर क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जन्म दर तेज होने से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी किसे कहेंगे हम। बेटा इसे सीधा याद कर लो, इसे बोलेंगे जिस आदमी की उम्र या जिस व्यक्ति की उम्र 7 साल हो, किसी भाषा को वह समझ सके और उसको पढ़ भी सके और उसको लिख भी सके। मान लो तुम्हारी उम्र 7 साल है, तुम हिंदी जानते हो, हिंदी पढ़ भी सकते हो और हिंदी लिख भी सकते हो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम पढ़े लिखे की कैटेगरी में आ गए, तुम्हें क्या बोलेंगे, साक्षर, शिक्षित। क्या बोलेंगे, शिक्षित बोलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण घटक क्या है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है किसी जगह की तो क्यों बढ़ रही है, उसके मेन कारण क्या है। तो पहला कारण है जन्म दर ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा क्या है, मृत्यु दर कम है, लोग मर कम रहे हैं। और तीसरा क्या है, प्रवास, इसका मतलब वहां पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तभी तो जा नहीं रहे, संख्या बढ़ रही है और जाने वाले कम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि क्यों घट रही है। ये बोलते हैं कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे घट रही है, ऐसा क्यों है बेटा, इसके कारण क्या है। देखो, क्योंकि बेटा यहाँ पर महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, जब औरतें पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो अपने घर के अंदर क्या करती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। उनको पता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको पालना मुश्किल होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा देना मुश्किल होगा, तो क्या करती हैं, बच्चे कम होते हैं। मलक्षा में शिक्षा की तेजी से प्रयास, अब क्या है, लड़कियां, दूसरी लड़कियां भी और पढ़ने में आगे से आगे आ रही हैं, ठीक है। और लड़की स्वास्थ्य के लिए और सरकारी प्रोत्साहन, मतलब सरकार भी यही समझाती है कि हमारे बच्चे दो और हम भी दो और हमारे बच्चे दो, तो उस बात को माना जा रहा है। इस वजह से बेटा हमारी जनसंख्या में थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, समझ गए। अच्छा, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सबको समझाइए। बेटा आयु संरचना का तो मैंने तुमको बता दिया क्या है, 15 साल से कम वाला बच्चा, 15 से ऊपर वाला जवान, 15 से ऊपर कहां तक, 60 साल वाला जवान, और 60 साल से ऊपर वाला वृद्ध कैटेगरी के अंदर आता है। जन्म दर क्या है बेटा, जब जिस जन्म से किसी जगह पर कितने बच्चे एक दिन में या किसी मिनट में पैदा होते हैं, वो जन्म दर। मृत्यु दर, मरने वालों की जनसंख्या, समझ गए। प्रवास का मतलब जाना, और बाकी जनसंख्या का दूसरा क्या है, आना, ठीक है। क्या आना, जनसंख्या का आना, ठीक है, बात खत्म हो गई। और बेटा इसी के साथ एक चीज याद रखना, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी जगह पे जनसंख्या का बढ़ना, लेकिन परिवर्तन का क्या मतलब है, परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी जगह की जनसंख्या परिवर्तित हो गई, मतलब बाहर के लोग, समझ लो दिल्ली की जनसंख्या में क्या आ गए, गुजरात के बहुत सारे लोग आ गए, तो क्या हुआ, जनसंख्या प्रवाह हुआ है, प्रवाह बढ़ी नहीं है, बढ़ी तो है एंड में, लेकिन वृद्धि कैसे हुई है, प्रवाह से। अब कोई जनसंख्या उठ के किसी दूसरे क्षेत्र में चली, ऐसा बोलेंगे जनसंख्या प्रवाह, क्या बोलेंगे, जनसंख्या प्रवाह। इसी के साथ बेटा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस थे, जिसको बेसिक समझना है वो पिछली वीडियो देख ले। बाकी बेटा बच्चों यही था, तुम्हारी पूरी बुक आज हमने 3.5 घंटे में खत्म कर लिया।